To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. I am Ashutosh Acharya Saraswati Vidya Mandir Ringwan Sitamarhi. Good morning, bhaiya behan. You have solved exercise 2.1, question number 1 to 4. आशा करता हूं कि आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर लिए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यदि कोई परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं या आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ वन ऑफ, फर्स्ट में है ट्रायंगल एबीई, जो आप ट्रायंगल एबीई देखते हैं इसका पेरीमीटर निकालना है, और द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर खुद पेरीमीटर इज ग्रेटर। ये कह रहा है दोनों का आप पेरीमीटर निकालिए और आप बताइए कि किसका जो पेरीमीटर है वो ज्यादा है, बड़ा है। तो हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन फॉर ट्रायंगल ए बी ई फॉर ट्रायंगल टू होल थ्री बाई फोर सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 5/2 cm, AE इज इक्वल टू 3/5 cm, 5 3 15 और 3 18/5 cm, एंड BE इज इक्वल टू 2/3/4 cm, 4 2 8 और 3 11/4 cm। अ पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ई प्लस बी ई। वैल्यू ऑफ ए बी 5/2 सी एम, वैल्यू ऑफ ए 18/5 सी एम, और वैल्यू ऑफ बी ई 11/4 सी एम। एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 4 2 1 2 5 2 2 4 5 2 10 10 2 20 एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 4 इज इक्वल टू 20 सी एम। 20 में 2 से आप डिवाइड करते हैं 10, 10 5 जा 50 प्लस 5 4 जा 20 4 18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 जा 72 प्लस 20 में 4 से डिवाइड करेंगे 5 11 5 जा 55। सबको ऐड करेंगे 0 2 2 हो गया, 2 में 5 ऐड करते हैं तो 7 5 7 12 और 5 12 और 5 17 बाई 20 सी एम। अब इसको अब तोड़ते हैं तो 177 में 20 से डिवाइड करेंगे 28 जा 167 तो 8/17/20 सी एम, यह पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब फॉर रेक्टेंगल बी सी डी ई, फॉर रेक्टेंगल बी सी डी ई लेंथ चूंकि बी ई है, लेंथ इज इक्वल टू 2/3/4 सी एम, 4 2 8 3 11/4 सी एम, और ब्रेथ इज इक्वल टू 7/6 सी एम। पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल
perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. 2 into L plus B. अब यहां आते हैं, 2 L का वैल्यू आपने देखा 11/4, प्लस B का वैल्यू 7/6 CM. LCM ऑफ 4 एंड 6 12 हो जाएगा, यहाँ 12 है, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3, 11 3 जा 33 और 12 में 6 से डिवाइड करेंगे 2, 7 2 जा 14 CM. 2 इंटू 33 में 14 जोड़ते हैं तो 4 3 7 3 1 4 47/12, काटिएगा 6 ना 47/6 CM. अब इसको तोड़ते हैं तो 47 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, 5 7 होल 5/6 CM. जरा इसको फिर से देखेंगे, 4 6 का LCM आया 12, 12 में 4 से डिवाइड किए 3, 11 3 जा 33, फिर यहाँ 6 में 2 से डिवाइड किए 12 में 6 से डिवाइड किए 2, 7 में 2 से मल्टीप्लाई किए 14, 33 और 14 को जोड़ेंगे 47, काट दिए 2 6 जा 12 हो गया, 47/6 आया, इसको तोड़ दिए तो 7 होल 5/6. अब यहाँ पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल 7 होल 5/6 है और पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल 8 होल 17/20 है. तो आपने देखा यहाँ जो पेरीमीटर कहता है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर अधिक है, तो 10 द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज greater than 10 आपने देखा कि perimeter of जो triangle है वह rectangle के perimeter से अधिक है, so मैंने लिख दिया 10 The perimeter of triangle is greater than the perimeter of the rectangle. Next question, question number 6. Salil wants to put a picture in a frame. Salil चाहता है कि एक picture को frame में लगा दे. The picture is 7 whole 3/5 cm wide. Picture जो है, उसकी जो चौड़ाई है, इसका जो width है, वो 7 whole 3/5 cm है. और टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सीएम वाइड. और जो पिक्चर फ्रेम है उसका जो विड्थ है वह 7 होल 3/10 सीएम. हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो पिक्चर को कितना ट्रिम्ड कर दिया जाएगा, काटना पड़ेगा. तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे द विड्थ ऑफ द पिक्चर, द विड्थ of the picture is equal to, आपने देखा 7 होल 3/5 cm, 7/5 जा 35 और 3 38/5 cm. और the width of the picture frame इज इक्वल टू 7 होल 3/10 cm, 7 होल 3/10 cm, 10 7 जा 70 और 3 73/10 cm. अब आपके सामने है कि कह रहा है, आप देख रहे हैं यह 38/5 और 73/10 है, तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 76/10 हो जाएगा, अर्थात ये पिक्चर जो है इसका जो विड्थ है वो अधिक है. इसलिए आपको हम लिखेंगे द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, देयरफॉर द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड
इज इक्वल टू 38 बाई 5 cm माइनस 73 बाई 10 cm. 5 10 का LCM 10 हो जाएगा और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2, 38 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76. 38 टू जा 8 टू जा 16, 3 टू जा 6 1 7, 76 हो गया. 76 cm माइनस 10 में 10 से डिवाइड किए 1, 73 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 73 cm. 76 में से 73 घटाएंगे 3 by 10 cm. So the picture should be trimmed 3 by 10 cm. Therefore, yeah, thus the picture should be trimmed 3 by 10 cm. Picture in 7 by 12 hour. माइकल जो है पिक्चर कलरिंग करता है तो वह 7 बाई 12 आवर में कलर फिनिश कर लेता है. वैभव फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 3 बाई 4 आवर, वह 3 बाई 4 आवर्स में कलर फिनिश कर लेता है. कहता हु वर्क लॉन्गर, तो कौन ज्यादा देर काम किया. बाय व्हाट फ्रैक्शंस वाज इट लॉन्गर, वह कितना उसको कितना फ्रैक्शन उसका ज्यादा था. तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि टाइम टेकन बाय माइकल टू फिनिश कलरिंग इज इक्वल टू time taken by Michael to finish coloring a picture is equal to 7 by 12 hour and time taken by Vaibhav टू फिनिश कलरिंग ए पिक्चर इज इक्वल टू 3/4 आवर. दोनों का लिख दिया गया. अब दोनों में कंपेरिजन करना है तो 7/12 और 3/4 दोनों अनलाइक फ्रैक्शन. इसको अगर हम कंपैरिजन करें लाइक फ्रैक्शन में करना हो तो 12 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 2 6 2 3 1 एलसीएम 2 × 2 × 3 अर्थात 4 12 हो जाएगा. 12 में 4 से डिवाइड करते हैं 3 आएगा तो 3/4 × 3 × 3 आवर और ये हो जाएगा 9/12 आवर. अगर इसको दोनों को लाइक फ्रैक्शन में किए तो यही 9/12 हो गया या 7/12 है. अब देखने से स्पष्ट होता है कि वैभव को समय अधिक लगा चूंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 12/12 है तो जो ऊपर बड़ा होगा तो यहाँ 9 है यहाँ 7 है अर्थात वैभव को ज़्यादा समय लगा. तो कहता है क्वेश्चन है कि हु वर्क लॉन्गर तो देयरफॉर वैभव वर्क लिख देंगे 9/12 ग्रेटर देन 7/12 देयरफॉर वैभव वर्क लॉन्गर. अब क्वेश्चन है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर. बाय व्हाट फ्रैक्शन दोनों का डिफरेंस क्या है. तो वैभव वर्क लॉन्गर बाय था 3/4
या वही 9 बाई 12 हो गया है, तो 9 बाई 12 आवर माइनस 7 बाई 12 आवर। अब यह दोनों का एलसीएम 12 है, 9 माइनस 7 आवर या 2 बाई 12 आवर, काटेंगे तो 1 बाई 6 हो जाएगा, 1 बाई 6 आवर। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो जैसे यह 3 बाई 4 है तो इसको 3 बाई 4 भी हम लिख सकते हैं, 3 बाई 4 आवर माइनस 7 बाई 12 आवर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 आवर माइनस 7 आवर इज इक्वल टू 2 बाई 12 आवर, या काटेंगे तो 1 यहाँ 6 हो जाएगा, 1 बाई 6 आवर। देयरफॉर दस वैभव वर्क लॉन्गर बाई 1 बाई 6 आवर, दस वैभव वर्क लॉन्गर longer by 1 by 6 hour। Homework, solve exercise 2.1 question number 5 to 8, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 सेस नेक्स्ट वीडियो में।